इस्माइल, हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि 6 की 1 कोर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सो 6 की 1 कोर्स के पहले हम लोग प्रैक्टिस करते थे 5 एलिमेंट थ्योरी। सो प्रोफेसर ने 5 एलिमेंट थ्योरी से 6 की तरफ शिफ्ट किया था। उसके पीछे काफ़ी रीजंस थे। एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि पहले 5 एलिमेंट में हम लोग हीट एंड हॉटनेस को एक साथ लेते थे। सो हीट का ऑर्गन जो था वो हर्ट था एंड हॉटनेस का ऑर्गन हम लोग पेरिकार्डियम लेते थे। बट प्रोफेसर ने ये फाइंड आउट किया कि पेरिकार्डियम इज जो है वो राइट टर्म नहीं है फॉर दिस हॉटनेस एलिमेंट। प्रोफेसर ने फाइंड आउट किया कि इसके लिए राइट नेम इज़ ब्रेन मेरिडियन। एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज में पेरिकार्डियम के लिए जो ऑर्गन है उसको हम लोग शेनपो बोलते हैं। पेरिकार्डियम इज एक मॉडर्न टर्म है जो मॉडर्न साइंस के आने के बाद आया। तो ट्रेडिशनल साइंस में, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में इसको शेनपो बोलते थे। तो शेनपो मतलब, शेन मीन्स हर्ट एंड पो मीन्स कवरिंग। सो हर्ट की कवरिंग को लोगों ने समझा कि ये पेरिकार्डियम है, तो ये रॉन्ग ट्रांसलेशन हुआ था। बट सिंस प्रोफेसर को ट्रेडिशनल लैंग्वेज की नॉलेज थी, सो उन्होंने समझा कि शेन पो का जो रियल मीनिंग है, एक्चुअली शेन का एक मीनिंग हर्ट है बट शेन का और एक मीनिंग है माइंड। सो माइंड का कवरिंग। सो प्रोफेसर ने समझा कि इट इज ब्रेन नॉट पेरिकार्डियम। सो प्रोफेसर ने समझा कि देन ब्रेन एंड पेरिकार्डियम एंड हर्ट, सॉरी ब्रेन एंड पेरिकार्डियम अलग अलग है तो दोनों का फंक्शन अलग होना चाहिए। सो हार्ट एंड ब्रेन एक साथ नहीं हो सकता, एक जगह में नहीं हो सकता। वो एक रीज़न था। फिर हमारे बॉडी में ब्रेन का जो फंक्शन है वो कंट्रोलिंग है। सो यहाँ पर भी उन्होंने समझाया कि हॉटनेस का जो काम है वो कंट्रोलिंग होना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर ने फिर हीट एंड हॉटनेस को सेपरेट किया और 6 की डेवलप किया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। एंड हॉटनेस का जो काम हो गया यहाँ पे भी ये कंट्रोलिंग हो गया, ये प्रैक्टिकल कंट्रोलर है। एंड इसके बाद ही प्रोफेसर ने फिर 8 की डेवलप किया। हॉटनेस की जगह यहाँ पर ब्राइटनेस आ जाता है, तो कोल्डनेस के नीचे डार्कनेस। सो ब्राइटनेस एंड डार्कनेस स्पिरिचुअल कंट्रोलर हो जाता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस प्रैक्टिकल कंट्रोलर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था प्रोफेसर के लिए 5 की से 6 की पे आना। एंड बहुत सारे उसके रीजन थे, उसमें सारे रीजन्स को हम लोग अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक ये रीज़न था कि हम लोग 5 एलिमेंट में सब्जुगेशन एंड एंटी सब्जुगेशन की थ्योरीज को यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में, जो कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सही नहीं है कि हमारा बॉडी में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सब्जुगेट कर रहा है या एंटी सब्जुगेट कर रहा है। एक्चुअल हमारी बॉडी जो है वो हार्मोनाइजेशन प्रिंसिपल पे चलती है। जैसे अगर हमारी बॉडी को अगर हीट की ज़रूरत है तो हीट डेवलप होगा, कोल्ड की ज़रूरत है तो कोल्ड डेवलप होगा, या फिर हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बॉडी हार्मोनाइज करती है। अगर बाहर से -डिग्री भी हो या अगर 50 डिग्री भी हो तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बॉडी हार्मोनाइज करना जानती है। सो हमारी बॉडी एक हार्मोनाइजेशन प्रिंसिपल पे काम कर रही है। एंड वो हार्मोनाइजेशन प्रिंसिपल है एक्सियल रिलेशनशिप का, कि हमारे बॉडी में एक्सियल रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। जैसे यहाँ पे एनर्जी के बीच में, विंड एंड ह्यूमिडिटी के बीच में एक एक्सिस है, हीट एंड ड्राइनेस के बीच में एक एक्सिस है, एंड हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बीच में एक्सिस है। यानी एक्सिस का मतलब हुआ कि देर इज एनर्जी बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड फॉर एनर्जी एक्सचेंज। सो एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो बॉन्ड है तो उसके बीच में कुछ सिमिलरिटी होगी तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज होगा, एंड कुछ डिससिमिलरिटी भी रहेगी तभी भी एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए वी नीड सिमिलरिटी एंड एंड डिफरेंसेस ऑल्सो। तो इसके मतलब हमें समझना होगा कि विंड एंड ह्यूमिडिटी के बीच में क्या सिमिलरिटी है, हीट एंड ड्राइनेस के बीच में क्या सिमिलरिटी है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बीच में क्या सिमिलरिटी है, एंड उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हीट एंड ड्राइनेस के बीच में ऑर्गन क्या है, लंग्स। ड्राइनेस के लिए ऑर्गन हम लोग लंग्स लेते हैं, हीट के लिए हम लोग हार्ट लेते हैं। तो हार्ट और लंग्स के बीच में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों फिजियोलॉजिकल बॉडी में सेम एक्सिस पे हैं, एंड फिजियोलॉजिकली कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कोरिलेटेड है फिजियोलॉजिकली। डिफरेंसेस क्या है कि हार्ट एक है, लंग्स दो है। एंड और भी बात एक समझने की बात यह है कि जैसे कि ये हीट क्या है, हार्ट हेट्रो है, लंग्स होमो है। बट हमारे बॉडी में देखेंगे तो हार्ट होमो ऑर्गन, हेट्रो ऑर्गन होते हुए भी होमो पोजिशन में, यानी इनसाइड है, एंड लंग्स हेट्रो और होमो ऑर्गन होते हुए भी हेट्रो पोजिशन में आउटसाइड है,
मीन्स होमो ऑर्गन आउटसाइड है हेट्रो पोजिशन में, एंड हेट्रो ऑर्गन इनसाइड होमो पोजिशन में. ये क्यों है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रो फोर्स. बिकॉज इन ईच एक्सिस न्यूट्रो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड वो हार्मोनाइज कर रहा है. सो वी लर्न कि क्या सिमिलरिटी है विंड एंड ह्यूमिडिटी के बीच में, क्या डिफरेंसेस है, एंड हर एक्सिस में न्यूट्रो फोर्स कैसे काम कर रहा है. तो ये बहुत वंडरफुल इन्वेंशन प्रोफेसर ने किया है. लेकिन प्रोफेसर ऑलवेज कहते थे कि वी शुड नॉट क्रिटिसाइज फाइव की फाइव एलिमेंट थ्योरी, बिकॉज क्रिटिसाइजिंग फाइव एलिमेंट थ्योरी मीन्स वी आर क्रिटिसाइजिंग आवर एंसेस्टर. सो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज आवर एंसेस्टर्स. एंड सिक्स की नो डाउट बहुत डेवलप्ड साइंस है, एंड वी विल डिस्कस कि कैसे ये एक्सियल रिलेशनशिप काम कर रहा है, एंड प्रोफेसर ने कैसे फाइव एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके सिक्स की में एक्सप्लेन किया, सेंस ऑर्गन को, कलर को, टेस्ट को एंड एवरीथिंग को. सो वी विल लर्न इन डिटेल कि सिक्स की में ये सब चीज़ों के बारे में. एंड उसके बाद ये सारा करेक्टरिस्टिक डिस्कस करने के बाद, एक्सियल रिलेशनशिप डिस्कस करने के बाद, वी विल लर्न चक्र सिस्टम कि चक्र सिस्टम को प्रोफेसर ने कैसे कोरिलेट किया है सुजोग से, एंड चक्रा एंड मेरिडियन के बीच में क्या रिलेशन है ये भी प्रोफेसर ने बताया है. एंड चक्र के समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत डायमंड को भी डिस्कस करना होगा, क्योंकि डायमंड में हम समझ पाएंगे कैसे बॉडी में थ्री एक्सिस है, जैसे वर्टिकल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस एंड सेजिटल एक्सिस, एंड हर एक चक्रा में भी थ्री एक्सिस है, एंड हर एक चक्रा कैसे वर्टिकल एक्सिस में, सेजिटल एक्सिस में एंड फ्रंटल एक्सिस में रोटेट कर रहा है. एंड हर एक चक्रा का हम लोग वर्टिकल स्पिन, सेजिटल स्पिन एंड फ्रंटल स्पिन डिस्कस करेंगे. एंड अभी समझेंगे कि वर्टिकल स्पिन को हमें कब यूज़ करना है, सेजिटल को हमें कब यूज़ करना है, एंड फ्रंटल स्पिन को हमें कब यूज़ करना है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कमांड कहाँ देना है. एंड देन वी विल डिस्कस कि चक्रा में बॉडी के साइज, बॉडी में चक्रा का साइज क्या होगा, एंड हैंड में चक्रा का साइज क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा. इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे चक्रा सिस्टम में. देन चक्रा सिस्टम के बाद वी विल लर्न अबाउट मेरिडियन सिस्टम. मेरिडियन सिस्टम में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर ने दिया है कि क्या रिलेशन है चक्रा एंड मेरिडियन के बीच में, एंड कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, कैसे हमारी बॉडी में एक्सटर्नल चक्रा से इंटरनल चक्रा तक एनर्जी जाती है, एंड इंटरनल चक्रा से फिर मेरिडियन एंड मेरिडियन से फिर ऑर्गन में फ्लो होता है एनर्जी का. तो ये पूरा सर्कुलेशन प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ बहुत समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि चक्रा का जो फ्लो है उसमें दो टाइप का फ्लो है. जैसे ये एक स्ट्रक्चरल फ्लो है, देन देर इज फंक्शनल फ्लो. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये विंड चक्रा, ड्राइनेस चक्रा एंड कोल्डनेस चक्रा में डिफरेंस है. यानी विंड में एक टाइप में, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लीवर एंड गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे हमारा लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन है. सो ये तीन चक्रा में डिफरेंसेस है. इन चक्र इसको हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे अच्छे से, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरिडियन का जो सिक्स की पॉइंट्स है वो भी प्रोफेसर ने चेंज किया है. तो उसका लोकेशन कैसे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफेसर ने कैसे दिया है, एंड देन उसमें स्पायरल एंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड उसके पीछे लॉजिक क्या है स्पायरल एंगल का. ये सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस कोर्स में, एंड देन वी विल रीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन है. मीन्स एक्सेसिव एनर्जी एक साइड में एंड डिफिशियंट एनर्जी एक साइड में. तो ये सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन है. सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी वर्टिकल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड फ्रंटल एक्सिस का डोमिनेंट रहेगा. तो एंड दिस इज इंटरनल एक्सटर्नल होमोहेट्रो एक्सिस. तो टोटल एट सिमेट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सिस बनेंगे. एंड देन हमारे पास क्रॉसलिंक कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, 12 कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन क्रॉसलिंक कॉन्स्टिट्यूशन लोग इसकी टू में डिस्कस करेंगे. सो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे. देन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने के बाद एक्चुअली इस ये बहुत एक अच्छा डायग्राम है, प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है. इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, एक्चुअली वर्टिकल जो इसमें चक्रा का जो साइज आप देख रहे हैं, ये चक्रा का साइज जो है ये हमें यूनिट लेवल का इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंड ये जो आप शेप देख रहे हैं ये इंडिविजुअल लेवल का. एक्चुअली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं सो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उस टाइम क्या होता है कि हमें इस
सर्कल को फिल करना होता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऐसे फिल किया है तो ये एक फिल होता है, अगर ऐसे फिल कर रहे हैं तो इसे हम लोग यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एंड इसे हम लोग इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, सो सेम चीज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये जो चक्रा सेंटर में जो चक्रा है, ये सर्कल है, ये हमें यूनिट लेवल के बारे में बता रहा है एंड बाहर जो शेप है ये हमारे इंडिविजुअल लेवल के बारे में बता रहा है। तो हर एक पेशेंट में हमें ट्राई करना है कि हम यूनिट एंड इंडिविजुअल बोथ कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड आउट कर सके। इस पिक्चर के थ्रू प्रोफेसर हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हर एक पेशेंट में सेम टाइम पे यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों रहता है और हमें दोनों फाइंड आउट करना है। एक अच्छा सुजोग थेरेपिस्ट बनने के लिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशन निकाल सके, ताकि हम समझ पाए कि यूनिट लेवल पे एंड इंडिविजुअल लेवल पे बॉडी में क्या चल रहा है। इवन 62 के बाद हम लोग समझेंगे कि हमें ब्रांच लेवल के भी कॉन्स्टिट्यूशन निकालने होते हैं, तो हम 62 में करेंगे। बट 61 में हमें इतना समझ लेना है कि हमें यूनिट लेवल पे एंड इंडिविजुअल लेवल पे दोनों में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन निकालना है। जैसे इस लेवल पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी एनर्जी यूनिट लेवल में ज़्यादा है, ड्राइनेस ज़्यादा है एंड कोल्डनेस ज़्यादा है। सो ये ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ह्यूमिडिटी ड्राइनेस एंड कोल्डनेस एक्सेसिव है। ओके, एंड इंडिविजुअल लेवल में से तो फिर हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ ड्रॉ करते हैं। सो ह्यूमिडिटी ड्राइनेस एंड कोल्डनेस एक्सेसिव हो जा रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। एंड इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ओम साइड में ओम विंड, ओम ड्राइनेस एंड ओम कोल्डनेस प्लस है, आ साइड में आ हीट आ हॉटनेस एंड आ ह्यूमिडिटी प्लस है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, आ साइड में हमारा आ हीट आ हॉटनेस एंड आ ह्यूमिडिटी प्लस है एंड ओम साइड में ओम विंड ओम ड्राइनेस एंड ओम कोल्डनेस प्लस है। ओम विंड ओम ड्राइनेस एंड ओम कोल्डनेस प्लस है, आ हीट आ हॉटनेस आ ह्यूमिडिटी माइनस हो रहा है। सो ये पिक्चर हमारा बन रहा है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन का हमें नाम अगर देना होगा, सो इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम हो जाएगा हीट डेफिशिएंसी और ड्राइनेस एक्सेसिवनेस कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो एक्सेसिव ग्रुप है उसके सेंटर में जो है एंड डेफिशिएंट ग्रुप के जो सेंटर में उसके बेसिस पे हम नाम देते हैं, तो नाम हम हीट डेफिशिएंसी और ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। इसमें हमें देखना होगा एक्सेसिव ग्रुप के ऊपर आर साइड में जो एक्सेसिव है एंड होम साइड में जो एक्सेसिव है उसके सेंटर में। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन का हम नाम दे सकते हैं आ हॉटनेस कॉन्स्टिट्यूशन और ओम कोल्डनेस कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो एकदम इस शेप में रहेंगे। हमें क्वेश्चन आंसर करके उनकी डिटेल हिस्ट्री लेके हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनका यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो फर्स्ट हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें उनका नाम देना होगा। नाम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए ये अगर हीट डेफिस
ये अगर हीट डिफिशेंसी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें मान लीजिए कोल्डनेस को कम करना है, तो हमें समझना होगा कि अगर ये डिफिशेंसी कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा ट्रीटमेंट हम टोनिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, अगर ये एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा ट्रीटमेंट सिडेशन से स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा ट्रीटमेंट टोनिफिकेशन एंड सिडेशन रॉन्ग हो जाता है तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्राइटेरिया है नाम देने के लिए यूनिट लेवल में, देन इंडिविजुअल लेवल में हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये आ कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर साइड का ट्रीटमेंट सिडेशन से एंड साइड का टोनिफिकेशन से स्टार्ट होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में साइड का ट्रीटमेंट हमें सिडेशन से और आर टाइप का ट्रीटमेंट हमें टोनिफिकेशन से स्टार्ट करना है। तो क्या क्राइटेरिया है नाम देने का, कब हमें आ कॉन्स्टिट्यूशन बोलना है, कब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलना है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये डिस्कस करने के बाद, ये फाइंड आउट करने के बाद, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेरिडियन लेवल पे ट्रीटमेंट करने के पहले हमें समझना होगा कि ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी पेशेंट के बॉडी में स्ट्रक्चर सर्कुलेशन चल रहा है या फंक्शनल सर्कुलेशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा मेरिडियन लेवल पे। सो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 61 कोर्स में। ओके, सो एंड 61 कोर्स में यू विल गेट द कंप्लीट नोट्स एंड प्रैक्टिस, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स यू विल गेट द फुल रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्स, एंड आप लोग एक ग्रुप में भी रहेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन माई 61 कोर्स। ओके, स्माइल, थैंक्स।